कोरोना और लॉकडाउन की मार से हर कोई परेशान है। लॉकडाउन की मार से अमरोहा की ढोलक भी नहीं बच पाई। अमरोहा की जो ढोलक विदेशों तक में अपना जलवा बिखेरती थी, वो इस वक्त बंदी के कगार पर पहुंच गई है। अमरोहा का ढोलक कारोबार कोरोना वायरस की चपेट में है। लॉकडाउन की वजह से बहुत से कारखाने बंद पड़े हैं। अमरोहा में ढोलक कारीगरों से जब बात की गई तो उनका दर्द छलक उठा। इन कारीगरों ने बताया कि ढोलक कारोबार लॉकडाउन की वजह से ठप है, दो रोटी के भी लाले पड़े हैं। जो कुछ जोड़ा था इस लॉकडाउन में सब खत्म हो गया। जब से लॉकडाउन लगा है हम बिल्कुल हाथ पाथ रखे बैठे हैं और मामला बिल्कुल चल नहीं रहा है। और कारखाने में हम काम करने आते हैं तो कारखाने वाले भी क्या करवाए बेचारा, जब उसके काम बंद पड़ा दो वो भी कहाँ देवे, वो खुद सोच रहा है पैसा कहाँ से आवे, पीछे सारे काम बंद पड़े हैं। गवर्नमेंट काम खोले तो कुछ होवे भी, अब बताओ हम क्या करें, हम हाथ पाथ रखे बैठे हैं। गवर्नमेंट जो हमारा मामला कुछ चले ऐसा कोई है, अब हम कहाँ से लाएं, जो रखे हुए जुड़े हुए तो खा गए सब, अब कहाँ से लाएंगे हम पैसे। कुछ कारीगरों के इस काम को करते पूरी जिंदगी निकल गई और वो उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द कारखाने खुलेंगे तो एक बार फिर पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अब काम बिल्कुल बंद है, खाली बैठे हुए हाथ पैर डरे हुए हैं और घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। क्या चाहते हैं सरकार से? 200-300 रुपए की मजदूरी होती थी वो भी बंद हो गई। अब सरकार से क्या चाहते हैं आप? है? सरकार से कुछ चाहते हैं? सरकार से मदद मांगना चाहते हैं। अब हमारे पास कुछ है तो कहाँ से काम करेंगे, जब तक सरकार कुछ हमारा मदद नहीं करने की तो हम तो बेकार है बिल्कुल। कुछ दिन से लॉकडाउन का मसल चल गया है, मैं तो भैया उधार खा खा के मैं तो तंग आ चुका हूँ और लोग मेरे ऊपर तकादा कर रहे हैं, मैं अपना सिर पकड़े बैठा हूँ। कब से करूं तो क्या करूँ? कब से ये काम कर रहे हैं आप? मैं होगा मैं कुछ 20 साल इस काम को करता हूँ। लॉकडाउन की वजह से ढोलक बनाने वाले हुनरमंद बेरोजगार हैं। ढोलक बनाने के हुनर और कारोबार को मजबूती देने के लिए योगी सरकार ने अमरोहा के ढोलक कारोबार को एक जनपद एक उत्पाद में भी शामिल कर रखा है। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सब ठप पड़ा हुआ है और मजदूरों के सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमरोहा से नदीम अहमद की रिपोर्ट।